हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 247। दिस इज़ योर डेली करंट अफेयर क्लास। आज की क्लास में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए सेट किए हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करना है और बताना है क्या करेक्ट आंसर हमारा हो सकता है। देखो, यहाँ पर जो डेली क्लासेज आपके लिए लेकर आ रही हूँ मैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पीछे जितने भी दिन की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, वो सारी न्यूज़ जो होती हैं वो इस क्लास के थ्रू कम्प्लीट हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, और अगर आप यहाँ पर रेडी हैं तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं दैट यस मैम वी आर रेडी। ओके, और फिर हम शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, सो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन साइंड अ फ्रेमवर्क टू काउंटर टेररिज्म। आपको यहाँ पर मुझे बताना है कि हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, सो देखो, यूनाइटेड नेशंस किसका डील हुआ है, उसके साथ में यूरोपियन यूनियन का डील हुआ है, किसको काउंटर करने के लिए, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं वो किसके बनते हैं, यूनाइटेड नेशंस के बनते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, सो आपको बताना है, इसके अलावा आप बाकी जो ऑप्शन बचते हैं वो भी आप बता सकते हैं कि कौन है। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। आंसर दिखा दीजिए। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अब आपको जो मुझे बताना है कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ओके, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, दैट इज टेड्रस एडेनोम इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो वो किसके डायरेक्टर जनरल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वो डायरेक्टर जनरल हैं। जिम ब्रैडस्टीन जो हैं वो हमारे रिसेंटली अपॉइंटेड प्रेजिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। ओके, सो जिम ब्रैडस्टीन इज द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। देन क्रिस्टिन लिगार्डी इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, दैट इज IMF। ओके, सो IMF से रिलेटेड यहाँ पर कौन है, क्रिस्टिन लिगार्डी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो यूनाइटेड नेशंस का हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ओके, सो न्यूयॉर्क US इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी यानी यहाँ पर सारी चीज़ें। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मार्क मैडोफ पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। देखो, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ रिलेटेड टू द ओबिटरी। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ओबिटरी। आपको बताना है मार्क मैडोफ, जिनके अभी डेथ हो गई है, जो अभी पास्ट अवे हो गए हैं, वो कौन से फील्ड से रिलेटेड थे। ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज ऑथर। ओके, सो आप यहाँ पर सब आंसर कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अगर लास्ट डे की मैं बात करूँ, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर करना, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और आप देखिए, मैं आपको जो भी यहाँ पर करंट अफेयर करवा रही हूँ, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं, बाद में आपको इन सबका PDF जो है हर एक दिन का, क्योंकि मैं 17 से आपको कवर करवा रही हूँ, तो हर एक दिन का आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी अपलोडेड सून। जो आप डिस्क्रिप्शन जो भी पुराने वीडियोस हैं उनका चेक करेंगे, तो आपको सारे क्लासेस का PDF वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो आपको लिखना नहीं, आप ओरली इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करो। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बैन ड्रोन्स एंड ह्यूमन लेस फ्लाइट्स। ठीक है, तो ड्रोन्स और ह्यूमन लेस फ्लाइट्स किसने बैन कर दिया, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज श्रीलंका। ओके, सो श्रीलंका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अभी अगर आपसे मैंने लास्ट क्लासेज में, करंट अफेयर क्लासेज में, मैंने आपसे पूछा था विच ऑफ दिस कंट्री अनाउंस्ड नेशनल इमरजेंसी रिसेंटली। ठीक है, तो श्रीलंका जो है वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया था नेशनल इमरजेंसी, उसके साथ ही उन्होंने ड्रोन्स वगैरह जो है उनको क्या कर दिया, यहाँ पर बैन कर दिया है। ओके, इवन यहाँ पर उन्होंने जो व्हील यानी जो घूंघट किया जाता है उसको भी क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। ओके, सो ये चीज जो है आपको यहां पर याद रख लेनी है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द सेकेंड एडिशन ऑफ बेल्ट एंड रोड फोरम हेल्ड इन विच सिटी। ठीक है, तो अभी दूसरा एडिशन हुआ है किसका, बेल्ट एंड रोड फोरम का। आपको पता है बेल्ट एंड रोड फोरम जो है, इट इज़ रिलेटेड टू द चाइना। ओके, सो ये चाइना से रिलेटेड है। आपको बताना है ये कौन सा एडिशन, अगर आपसे पूछा जाए आप सेकेंड एडिशन बता देंगे, और अगर आपसे पूछा जाए इसका वेन्यू, तो आपको जो बताना है वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है यहाँ पर। ओके, दैट इज बीजिंग चाइना। ओके, सो बीजिंग चाइना इज अ करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो आपको यहाँ पर जो मुझे बताना है वो इसका थीम बताना है। ठीक है, ये जो सेकेंड एडिशन हुआ इसका थीम क्या था। ओके, सो आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि थीम क्या था यहाँ पर, क्योंकि थीम जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेपिंग अ
brighter, okay, shaping and a brighter and shared future, okay. ये क्या है यहाँ पर हमारा थीम रहा है, ओके, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड आरबीआई टू डिस्क्लोज एनुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ बैंक्स. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि आप जो रिपोर्ट है बैंक से रिलेटेड उसको क्या कर दो, पब्लिक कर दो, ओके. तो यहाँ पर उनसे पूछा जा रहा है हु हेडेड द पैनल. ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पैनल था इसको हेड किसने किया. ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. अगर आपको पता हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, दीपक मिश्रा थे. हमारे रिसेंटली अपॉइंटेड जो अभी चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, रंजन गोगोई हैं. लेकिन यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज जस्टिस एल नागेश्वर राव. ओके, सो जस्टिस एल नागेश्वर राव जो है इस पैनल को हेड कर रहे हैं. ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड बैंक अश्योरेंस इन पार्टनरशिप विद कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, कंप्लीट इसका नाम है कैनरा एचएसबीसी एंड ओबीसी. इसे कौन से बैंक के साथ मिलकर वेब अश्योरेंस साइन किया है. जैसे हमारे बैंक अश्योरेंस होता है वैसे ही क्या होता है, वेब अश्योरेंस होता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है क्या करेक्ट आंसर है, और जो भी आप करेक्ट आंसर बताएंगे उस बैंक के सारे स्टेटिक फैक्ट्स यानी MD CEO कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और टैगलाइन क्या है, वो आपको यहां पर कमेंट करके बताना है. ओके, सो आपका यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज कैनरा बैंक. ओके, सो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था. अब आपको मुझे बताना है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कैनरा बैंक, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ कैनरा बैंक, एज वेल एज हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक. सो हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु. ओके, सो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है किसका, कैनरा बैंक का. टैगलाइन क्या है, टुगेदर वी कैन. ओके, सो टुगेदर वी कैन इज अ टैगलाइन. ओके, ये भी आपको याद रख लेना है. एमडी सीईओ कौन है, आर ए शंकर नारायण. ओके, सो आर ए शंकर नारायण जो हैं वो क्या हैं, एमडी एंड सीईओ हैं किसके, कैनरा बैंक के. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच साइक्लोन रिसेंटली हिट कोस्टल एरियाज, कहाँ के कोस्टल एरियाज, आंध्र प्रदेश के, दैट इज बे ऑफ बेंगोल. ठीक है, बे ऑफ बेंगोल का अगर आपसे पूछा जाए कौन से साइक्लोन ने हिट किया है, तो आप यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर बताएंगे, ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको यहाँ पर बताना है मुझे. ओके, सो टेक योर टाइम और आपको बताना है यहाँ पर कि क्या करेक्ट आंसर है, एज वेल एज यू हैव टू टेल मी आंध्र प्रदेश स्टैटिक फैक्ट, दैट इज हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड हु इज द गवर्नर. ठीक है, चीफ मिनिस्टर गवर्नर जो है वो भी आपको मुझे यहाँ पर क्या बताना है, कमेंट करके बता देना है. ओके, सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फनी. ओके, सो फनी इज द साइक्लोन जिसने हिट किया है कहाँ को, आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज को. ओके, सो यहाँ पर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, सो चीफ मिनिस्टर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, यहाँ पर एन चंद्रबाबू नायडू बता देंगे. ठीक है, और गवर्नर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ESL नरसिम्हम जो है यहाँ पर बता देंगे. ओके, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डांस डे. देखो पीछे के जितने भी डेज अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट रहे हैं वो सारे डेज जो है मैंने आपको कवर करवा दिए हैं लास्ट क्लास में. तो अगर अभी तक आपने वो इंपॉर्टेंट डेज और थीम का क्लास नहीं देखा है तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं, उससे आपका पूरा रिविजन हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है इंटरनेशनल डांस डे है वो किस दिन मनाया जाता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 29th April. ओके, सो 29th April जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है. ओके, सो करेक्ट आंसर दिखा दीजिए. ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गवर्नमेंट इंक्रीज कस्टम्स ड्यूटी ऑन वीट टू व्हाट परसेंट. गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है वीट के ऊपर उसको इंक्रीज कर दिया है. आपको यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज किया है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है ये आपको मुझे बताना है यहाँ पर. ओके, सो इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसका कहाँ पर हेडक्वार्टर है. ओके, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है. और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है प्रणब कुमार दास. ओके, सो अगर आपसे चेयरपर्सन पूछा जाएगा तो आप प्रणब कुमार दास बता देंगे. अगर आपसे हेडक्वार्टर इसका पूछा जाता है तो आप बता देंगे न्यू दिल्ली. ओके, सो न्यू दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का. ओके,
एंड कस्टम्स. ओके, सो इसका हेडक्वार्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 40%. ओके, सो 40% जो है वो कस्टम ड्यूटी जो है वो लगाई जाने वाली है किसके ऊपर? वीट के ऊपर. ओके, सो मूव करते हैं हमारे 10th क्वेश्चन के ऊपर. हु अमंग द फॉलोइंग F1 रेसर वन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स. ठीक है, ग्रैंड आएगा यहाँ पर, GRAND है. ओके, सो आपको बताना है कौन से F1 रेसर है जिन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है उसको जीत लिया है. ABCD ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ये आपको बताना है. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बताइए क्या है. इसके अलावा मुझे बता सकते हैं कि अजरबैजान के साइड इफेक्ट्स क्या हैं. ओके, सो जब तक आप आंसर करते हैं तब तक देखते हैं. अजरबैजान जो है उसकी कैपिटल क्या है? बाकू है. और करेंसी क्या है यहाँ पर? हमारी मन्नत है. और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज वाल्टेरी बोटास. ठीक है, तो वाल्टेरी बोटास जो है उन्होंने F1 रेसर हैं जिन्होंने क्या जीत लिया? अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है. अजरबैजान जो है उसकी कैपिटल क्या है? बाकू है. करेंसी क्या है? मन्नत है. ओके, सो आई होप ये सारी चीज़ें जो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी. ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो रियल टाइम वॉइस बैंकिंग प्लेटफॉर्म हैज़ बिन लॉन्च नेम्ड FSS वॉइस कॉमर्स. ठीक है, तो रियल टाइम वॉइस बैंकिंग एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? FSS है. ओके, सो FSS आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट डज F मीन्स. ठीक है, तो F यहाँ पर क्या मीन करता है ये आपको बताना है और आपको इसका फुल फॉर्म भी बताना है. FSS का फुल फॉर्म क्या है ये आपको खुद बताना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर F का जो मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ. दिस इज फाइनेंशियल. ओके, सो F का जो मतलब है वो है फाइनेंशियल. आपको मुझे कमेंट करके बताना है व्हाट डज दीज S मीन. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C है. ओके, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. आपको S और S जो है उसका मतलब जो है कमेंट करके बताना पड़ेगा. ओके, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. Who has been honored with the Ikmanga Award 2019? So, ये वाला जो अवार्ड है ये एक ऑलराउंडर को दिया गया है. आपको बताना है ABCD ऑप्शन में से क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर है. और आपको पता हो ये सारे ही क्या हैं? साउथ अफ्रीकन क्रिकेट प्लेयर्स हैं. ओके, सो ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं तो इसलिए हमारे लिए किसके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर? साउथ अफ्रीका के जो भी फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आपको बताना है हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. इस क्वेश्चन से आपको करेक्ट आंसर भी बताना है और आपको इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर आंसर बताना है. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जैक्स कैलिस. ठीक है, सो जैक्स कैलिस जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. उनको मिला है इकमांगा अवार्ड 2019 के लिए. ठीक है, तो सिरिल रैम्फोसा. ठीक है, सो सिरिल रैम्फोसा जो हैं वो क्या हैं यहाँ पर? प्रेजिडेंट हैं किसके? साउथ अफ्रीका के. ठीक है, तो ये भी चीज़ जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो नेम द फॉर्मर इथोपियन प्रेजिडेंट हु पास्ड अवे रिसेंटली. इट इज़ नॉट प्रेस्ड, इट इज़ पास्ड अवे रिसेंटली. ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि इथोपिया के प्रेजिडेंट कौन थे जिनके अभी रिसेंटली डेथ हो गई है. ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है एज वेल एज यू हैव टू टेल मी हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इथोपिया. ठीक है, इथोपिया के इस टाइम पे कौन प्रेजिडेंट है ये भी आपको बताना है. ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो है हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नगैसो गिदादा एंड सोलोन. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था, ये गलती से सी हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी था. साहिल वर्क जैवदे जो है वो इस टाइम के प्रेजिडेंट है. ठीक है, अगर आपसे अभी इथोपिया के प्रेजिडेंट पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, लेकिन अभी जो फॉर्मर इथोपिया प्रेजिडेंट पास्ट अवे हो गए हैं उनका जो नाम है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज निगासो गिदादा सोलोन. ओके, ये चीज आपको याद रख लेनी है. अब आपको मुझे यहां पर कमेंट करके बताना है व्हाट इज द कैपिटल एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ इथोपिया. ओके, सो इथोपिया के स्टैटिक फैक्ट्स जो है आपको मुझे यहां पर कमेंट करके बताना है. इथोपिया की जो कैपिटल है वो क्या है? एडिस अबाबा है. ओके, और करेंसी क्या है यहां पर? हमारी बिर है. और प्रेसिडेंट कौन है? शाहिल वर्क जैवदे जो हैं इसके रिसेंट टाइम में क्या है? प्रेसिडेंट हैं. ओके, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. हु वन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 बाय द तमिलनाडु स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन. ठीक है, तमिलनाडु स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए किसको चुना है. आपको बताना है ABCD ऑप्शन में से कौन है एज वेल एज यू हैव टू टेल मी ही इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स. ठीक है, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं ये भी आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है. ओके, सो मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन पुट अप करती हूँ ताकि आप भी अपनी तरफ से पूरे सेशन में पार्टिसिपेट करें. ठीक है,
ऐसे अगर आप खुद यहाँ पर कमेंट करेंगे तो वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहने वाली हैं. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ शरत कमल. ओके, तो शरत कमल जो है उनको चुना गया है क्या, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2019. ओके, सो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं ये आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टूडेज़ क्लास. BCCI रिकमेंडेड हु अमंग दीज फॉर द अर्जुन अवार्ड. BCCI ने अर्जुन अवार्ड के लिए अभी किस किस पर्सन का यहाँ पर नाम दिया है आपको बताना है. ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर है, मोहम्मद शामी है, जसप्रीत बुमराह है, रविंद्र जडेजा है या पूनम यादव है. ओके, सो ये आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है. उसके अलावा हम लास्ट में एक बात करने वाले हैं किसी स्टेट के बारे में, ठीक है. तो यहाँ पर देखते हैं हमारे क्या करेक्ट आंसर. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर दिखा दीजिए. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज ऑल ऑफ दीज. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज यानी BCCI ने जो रिकमेंड किया है इन सबको ही रिकमेंड किया है. ये चारों जो नाम है वो आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. ओके, सो हटा दीजिए स्लाइड. अब आपको आज क्या बताना है मुझे, तमिलनाडु के स्टैटिक फैक्ट्स जो हैं वो कमेंट करके बताने हैं. ओके, आपको मुझे बताना है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, हु इज़ द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु. ओके, सो ये दोनों चीज़ें आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बतानी है. टेक योर टाइम और ये आपको कमेंट करना है. ई पलनी स्वामी, ओके, ई पलनी स्वामी जो है यहाँ पर क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं किसके, तमिलनाडु के. ओके, और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं क्या हैं, गवर्नर हैं. अब यहाँ पर आप मुझे कुछ रिलेटेड फैक्ट बताइए तमिलनाडु से रिलेटेड, लाइक नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, या फिर डांस फॉर्म्स होंगे, जो भी आपको तमिलनाडु के बारे में पता है वो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं. कुछ फेस्टिवल्स जो हैं मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, लाइक पोंगल फेस्टिवल. अगर आपसे पोंगल फेस्टिवल पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, वो तमिलनाडु का फेस्टिवल है. ठीक है, तो एक और फेस्टिवल है जिसका नाम क्या है, नित्यांजलि. ओके, सब आप यहाँ पर कुछ कमेंट भी कर रहे हैं. नित्यांजलि जो है और पोंगल जो है ये दोनों ही क्या हैं, फेस्टिवल हैं. कहाँ के फेस्टिवल हैं, ये तमिलनाडु के फेस्टिवल हैं. आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आपको इससे रिलेटेड फैक्ट्स पता है. ओके, सो आई होप कि आपको आज का क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी. हमारे क्वेश्चन में जो आंसर गलत था वो 13th क्वेश्चन था. ठीक है, 13th क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था, जो मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया था. ठीक है, तो बस वो चीज़ जो है यहाँ पर गलत है, तो आपको वो थोड़ा ध्यान रख लेना है, क्योंकि कुछ कई बार क्या होता है टाइपिंग मिस्टेक्स यहाँ पर हो जाती हैं. ओके, सो अगेन वन मोर थिंग, देखो जो भी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवा रही हूँ, आई नो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. और आप ये सोच रहे होंगे कि बाद में हमें रिवीजन करना है तो हमारे पास कुछ मटेरियल होना चाहिए. आई नो दिस इज़ अ प्रॉब्लम और ये मेरे साथ खुद होती थी. तो इसके लिए आपको जो PDFs हैं वो डेफिनेटली प्रोवाइड हो जाएंगे आने वाले दिनों में. ठीक है, तो आपको अभी उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको याद करने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो. करंट अफेयर ऐसी चीज़ है हमारी, करंट अफेयर जो कभी भी लिख कर नहीं याद करना चाहिए. मैं जब खुद तैयारी करती थी मैंने करंट अफेयर कभी भी नहीं लिखा, और आपको भी नहीं लिखना होता है, क्योंकि जितना टाइम आप करंट अफेयर को लिखने में वेस्ट करोगे उससे ज़्यादा टाइम आप उसको याद करने में लगाओ तो वो बेटर होता है. ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप लिख भी लोगे तो उसका मे बी आपको इन फ्यूचर जाके आपको लगे काफ़ी सारे नोट्स हो गए हैं और आप उसको बोर्डम फील करोगे उसको सारे को पढ़ने में. ठीक है, तो ऐसे तो आपके काफ़ी बड़ी नोटबुक बन जाएगी जिसमें काफ़ी सारे पेजेस होंगे जिसमें क्वेश्चन लिखे होंगे. ठीक है, तो कोशिश करिए ओरली याद करने की सारी चीज़ों के. ओके, सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.